तो आपने देखा कि ख्याति की एंट्री हम किस प्रकार से करते हैं, साथ ही एक ख्याति का और स्वरूप है जिसे हम छिपी हुई ख्याति या हिडन गुडविल कहते हैं। क्या होता है कि जब निवृत्त होने वाला साझेदार या मृत साझेदार को जब देय राशि की हम गणना करते हैं तो हम देखते हैं कि पूंजी खाते में उसका हिस्सा कितना आया और पुनर्मूल्यांकन खाते में उसके हिस्से की राशि कितनी आई। साथ ही हम ये देखते हैं कि वहाँ तक जब तक वो रिटायर हुआ वहाँ तक फर्म में कोई संचय या कोई रिजर्व, इस तरह का अगर कोई कुछ रिजर्व या संचय होता है तो उसमें निवृत्त साझेदार का हिस्सा क्या था। तो ये सब हिस्सों को मिलाकर भी अगर उसको देय राशि जो होती है वहाँ पर कुछ अतिशेष बच जाता है तो उस अतिशेष को ही हम ख्याति का एक भाग मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसे हम क्योंकि छिपी हुई ख्याति कहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर एक डिफरेंट जनरल एंट्री पास करते हैं। कौन सी जनरल एंट्री यहाँ पर हमको पास करनी है, आइए देखते हैं। राजेश, सुवर्णा व शानु एक फर्म में साझेदार है जो 1:2:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। शानु अवकाश ग्रहण करता है, उनकी पूंजी संचय व लाभ का समायोजन 2,20,000। राजेश व सुवर्णा की आपसी सहमति से दावे की राशि का भुगतान 2,50,000 में किया गया। ख्याति से संबंधित आवश्यक जनरल के लेखे कीजिए, नया लाभ हानि अनुपात 1:3 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुल समायोजित राशि है वो है 2,50,000 और इसमें अगर हम जो शानू के हिस्से की पूंजी है अगर हम उसको अलग कर लेते हैं क्योंकि शानू फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है तो अगर उसकी राशि यानी 2,20,000 को अलग कर दी जाए तो केवल 30,000 रुपये जो होगा वो राशि हमारे पास बची रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पर हमको प्राप्ति अनुपात की गणना करनी है तो प्राप्ति अनुपात के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अगर हम राजेश का प्राप्ति अनुपात ज्ञात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1:2:3 जो पुराना अनुपात है उसके हिसाब से और जो नया अनुपात प्राप्त हुआ है, नया लाभ हानि अनुपात प्राप्त हुआ है 1:3, इसके हिसाब से जब हम नए अनुपात में पुराना अनुपात घटाएंगे तो राजेश का जो लाभ प्राप्ति अनुपात है वो हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6 बराबर 3 माइनस 2/12 बराबर 1/12। इसी तरह से सुवर्णा का लाभ प्राप्ति अनुपात हो जाएगा 3/4 माइनस 2/6 बराबर 9 माइनस 4/12 यानी 5/12। तो यहाँ पर हम प्राप्ति अनुपात 1:5 प्राप्त कर लेंगे, हानि याद की जाती है। साझेदारी के समापन में लेखा पुस्तकें बंद करना जरूरी नहीं होता है और व्यापार चालू रहता है, जबकि साझेदारी फर्म के समापन में लेखा पुस्तकें बंद कर दी जाती हैं। अघोषित संपत्ति एवं दायित्वों का लेखा एक्स वाई और जेड साझेदार है जो लाभ हानि 1:2:3:10 और 1:5 में बांटते हैं। एक्स फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, शेष साझेदारों के मध्य लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि एक्स वाई और जेड का जो पुराना अनुपात है वो है 1:2:3:10 और 1:5। एक्स के निवृत्त होने के बाद वाई और जेड के शेयर को अगर हम देखें तो क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो x है उसका भाग 1/2, y का भाग 3/10 और z का भाग 1/5 है। अब क्योंकि x यहाँ से रिटायरमेंट ले लेता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है तो हमको y और z जो बचते हैं उनके लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करनी होगी। तो सबसे पहले तो हम ये जो x, y और z का पुराना अनुपात 1:2:3:10 और 1:5 दिया गया है इसको व्यवस्थित कर लेंगे, यानी अनुपातिक रूप से लिखने के लिए हम क्योंकि y का जो अनुपात है वो तो 3/10 है, इसके हर में 10 है, लेकिन x और z के हर को भी इसके बराबर करने के लिए हम यहाँ पर x का जो अनुपात है यानी 1/2 के हर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश को भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5/10। इसी तरह z के हर को 10 बनाने के लिए हमको क्योंकि हम हर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अंश को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/5 × 2/2 = 2/10। इस तरह हम देखते हैं कि x, y और z का जो अनुपात है
वो हो जाता है 5:3:2, या हम कह सकते हैं कि 5/10, 3/10 और 2/10 हो जाता है। अब x के अवकाश ग्रहण करने के बाद जो y और z का नया अनुपात होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम x के अनुपात को गायब कर दें तो y और z का जो नया अनुपात बनता है वो हो जाता है 3:2। अब यहाँ पर जब हमने y और z का नया अनुपात ज्ञात कर लिया है तो हम बहुत ही आसानी से y और z का लाभ प्राप्ति अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम y का लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करेंगे तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, y का लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो हमने देखा कि y का नया अनुपात 3/5 है माइनस पुराना अनुपात 3/10 पहले से था। जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 3/10 यानी कि 3/10। इसी तरह जब z का लाभ प्राप्ति अनुपात हम निकालेंगे तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, क्योंकि z का नया अनुपात हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 2/5 आया, तो 2/5 में से पुराना अनुपात यानी कि 2/10 जब हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 4 - 2/10 यानी कि 2/10। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x और y का जो लाभ प्राप्ति अनुपात है वो है 3/10 / 2/10 यानी कि 3:2। R, S और M एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि 2/5 / 2/5 / 1/5 में बांटते हैं। M व्यापार से अलग होता है और उसके हिस्से को R और S 1:2 के अनुपात में बांट लेते हैं। नए लाभ हानि अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ पर नए अनुपात की गणना करने के लिए हम देखते हैं कि R और S M के भाग को यानी कि 1/5 भाग को 1:2 के अनुपात में क्रय करते हैं, यानी कि R द्वारा जो लिया गया हिस्सा है वो है 1/5 का 1/3 यानी 1/15 भाग, और S द्वारा लिया गया जो भाग है वो है 1/5 का 2/3 यानी 1/5 जो है वो रिटायर होने वाले साझेदार का हिस्सा है और उसका 2/3 S प्राप्त करता है यानी 2/15 S द्वारा लिया गया। अब क्योंकि हमें पुराना अनुपात भी मालूम है और R ने जो S से प्राप्त किया है वो भी हमें मालूम है, तो हम यहाँ पे R का नया भाग निकाल लेंगे। R का पहले से जो पुराना अनुपात था वो था 2/5 और प्लस 1/15 उसने और ले लिया, इसी तरह इसका अनुपात हो गया 6+1/15 = 7/15। अब अगर S का नया भाग ज्ञात करना हो तो बिल्कुल इसी तरह हम S का नया भाग भी ज्ञात करेंगे, मतलब S का पुराना अनुपात और इसमें प्लस कर देंगे उसने जो रिटायर साझेदार का हिस्सा प्राप्त किया है उसे। तो पुराना अनुपात था उसका 2/5 और प्लस रिटायर होने वाले साझेदार से उसने 2/15 और प्राप्त कर लिया है, तो ये हो जाएगा 6+2/15 यानी कि 8/15। तो जो इनका नया भाग है, नया अनुपात है, वो हो जाएगा 7/15 = 8/15 या हम कह सकते हैं कि 7:8 इसका नया अनुपात हो जाएगा। अब क्योंकि लाभ प्राप्ति अनुपात हमें ज्ञात करना है तो लाभ प्राप्ति अनुपात के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। हमें नया अनुपात भी मिल गया और पुराना अनुपात पहले से दिया हुआ था। अगर हम R का लाभ प्राप्ति अनुपात निकालते हैं तो यहाँ पर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा 7/15 - 2/5 यानी 7 - 6/15 या फिर 1/15। इसी तरह जब हम S का भाग निकालते हैं तो हम देखते हैं कि नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात यानी 8/15 जो है S का नया अनुपात और पुराना अनुपात है -2/5 यानी 8 - 6/15 या 2/15। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका जो लाभ प्राप्ति अनुपात है वो 1/15 - 2/15 या फिर कह सकते हैं कि 1:2 यानी 1:2 इनका लाभ प्राप्ति अनुपात है। अर्जुन, भीम और नकुल साझेदार हैं जो लाभ हानि 14:5:6 के अनुपात में बांटते हैं। भीम अवकाश ग्रहण करता है और अर्जुन के पक्ष में अपना 5/25 भाग समर्पित करता है। ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्षों के क्रय के आधार पर बराबर 3 वर्षों के औसत अधिलाभ पर किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 50,000 रुपये, 55,000 रुपये और 60,000 रुपये है।
उसी प्रकार के फर्म का सामान्य लाभ 30,000 रुपए है। फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति 15,000 रुपए विद्यमान है। भीम के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात प्रथम वर्ष का लाभ 1,00,000 था। ख्याति के समायोजन एवं लाभ विभाजन के संबंध में आवश्यक जनरल लेखी कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि ख्याति की गणना हमको करनी है, तो ख्याति की गणना करने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय किए गए वर्षों की संख्या। अब क्योंकि हमें यहाँ पर अधिलाभ ज्ञात करना होगा, इसलिए अधिलाभ का हम फॉर्मूला लगाएंगे वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। चूंकि सामान्य लाभ तो प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन औसत लाभ की कैलकुलेशन हमको करनी है, तो सबसे पहले हम औसत लाभ ज्ञात कर लेंगे। औसत लाभ ज्ञात करने के लिए हम तीनों वर्ष के लाभ को जोड़कर उसे 3 से भाग देंगे, क्योंकि औसत लाभ का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो कुल लाभ हो जाएगा 50,000 + 55,000 + 60,000 / 3, यानी कि औसत लाभ हो जाएगा 55,000 रुपए। तो क्योंकि हमें औसत लाभ मिल गया है, औसत लाभ के आधार पर हम अधिलाभ ज्ञात कर लेंगे। अधिलाभ के लिए हम औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटा देंगे, तो वास्तविक औसत लाभ जो है वो हमने ज्ञात कर लिया है 55,000 रुपए, और सामान्य लाभ जो है वो है 30,000। तो यहाँ पर जो 25,000 रुपए अधिलाभ है वो हमने प्राप्त कर लिया है। अब क्योंकि अधिलाभ हमने ज्ञात कर लिया है, इसलिए ख्याति ज्ञात करने के लिए हम अधिलाभ को क्रय किए गए वर्षों की संख्या से गुणा कर देंगे, यानी 25,000 × 2, तो 50,000 रुपए हमें ख्याति की राशि प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो 50,000 रुपए है ये फर्म की कुल ख्याति है, लेकिन इस कुल ख्याति में हमको रिटायर होने वाले साझेदार के हिस्से को अलग करना है। तो फर्म की ख्याति में भीम का हिस्सा जब हम अलग करेंगे, भीम का जो हिस्सा है यहाँ पर लाभ हानि अनुपात में वो 5/25 है। तो 50,000 का अगर हम 5/25 कैलकुलेट करते हैं तो 10,000 जो है वो भीम का हिस्सा हम यहाँ पर अलग कर देंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पर नए अनुपात की गणना भी करनी होगी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुराना अनुपात था वो है 14:5:6, यानी 14/25, 5/25 और 6/25। अब क्योंकि भीम जो रिटायर होने वाला साझेदार है वो अपने भाग का पूरा 5/25 वो अर्जुन के पक्ष में समर्पित कर देता है, दे देता है, तो अर्जुन का जो भाग है वो परिवर्तित हो जाएगा। यानी अर्जुन का भाग जो उसका पुराना भाग है और जो उसने भीम से प्राप्त किया, दोनों का टोटल होगा। तो अर्जुन का भाग यहाँ हो जाएगा 14/25 और प्लस 5/25 उसने भीम से प्राप्त किया, तो ये हो जाएगा 14 + 5/25, यानी कि 19/25। और नकुल का भाग आप देख रहे हैं कि पहले से 6/25 था, यानी कि नए भाग की अगर बात करें नए अनुपात की, तो वो हो जाएगा 19/25 अनुपात 6/25, यानी 19:6। अब इसके आधार पर जब हम पंजी प्रविष्टि करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि ख्याति खाता पहले से ही विद्यमान है, तो पहले हम भीम के हिस्से की ख्याति का समायोजन करेंगे। भीम के हिस्से की ख्याति का समायोजन करने के लिए हम जनरल एंट्री पास करेंगे अर्जुन का पूंजी खाता डेबिट भीम के पूंजी खाता से, क्योंकि भीम ने अपना पूरा का पूरा भाग अर्जुन के पक्ष में समर्पित कर दिया है। तो ये जो एंट्री होगी ये भीम के हिस्से की जो ख्याति हमने कैलकुलेट की थी 10,000, उससे ये एंट्री होगी। दूसरी जो जनरल एंट्री करेंगे वो होगा अर्जुन का पूंजी खाता डेबिट भीम का पूंजी खाता डेबिट नकुल का पूंजी खाता डेबिट ख्याति खाता से। यहाँ पे हमने ख्याति की राशि को अपलिखित कर दिया। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले से ही जो ख्याति थी 75,000 रुपए विद्यमान थी, इसे हम राइट ऑफ कर देंगे, अपलिखित कर देंगे। और उसे राइट ऑफ करने के लिए हम जिस अनुपात का प्रयोग करेंगे वो होगा 14:5:6। तो 75,000 रुपए को अगर हम 14:5:6 में बांटते हैं तो अर्जुन के हिस्से में ये आता है 42,000, भीम के हिस्से में 15,000 और नकुल के हिस्से में 18,000 रुपए अप्लीकेट किया जाएगा। तीसरी इसकी जो हम प्रविष्टि करेंगे वो होगी अर्जुन का पूंजी खाता डेबिट नकुल का पूंजी खाता डेबिट लाभ हानि खाता से, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में एक और पॉइंट दिया गया है जिसमें भीम के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात प्रथम वर्ष का लाभ दिया है। तो क्योंकि भीम फर्म से अलग हो चुका है,
तो उसके बाद का जो लाभ होगा वो सिर्फ शेष साझेदार यानी अर्जुन और नकुल में ही वितरित किया जाएगा, और जो नया अनुपात हमने कैलकुलेट किया है उसी में वो वितरित किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो नया लाभ प्राप्ति अनुपात 19:6 कैलकुलेट किया था, उसमें जब हम 1,00,000 को बांटेंगे तो अर्जुन का जो भाग होगा वो हो जाएगा 76,000 और नकुल का जो भाग होगा वो हो जाएगा 24,000। तो इस प्रकार ये जो जनरल एंट्री पास करेंगे इसमें अर्जुन का पूंजी खाता डेबिट होगा 76,000 से, नकुल का पूंजी खाता डेबिट होगा 24,000 से, लाभ हानि खाता से जो कि 1,00,000 रुपए थी। जया कीर्ति एकता एवं श्वेता साझेदार है, जो लाभ हानि 2:1:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। जया की सेवानिवृत्ति पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 36,000 रुपये किया गया। कीर्ति, एकता और श्वेता ने भविष्य में लाभों को समान रूप से बांटने का निश्चय किया। ख्याति खाता खोले बिना ख्याति के व्यवहार के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 साझेदार जया, कीर्ति, एकता और श्वेता का जो लाभ हानि वितरण अनुपात है वो है 2:1:2:1, यानी कि 2/6, 1/6, 2/6, 1/6। अब क्योंकि जया जो है वो फर्म से अलग हो रही है तो यहाँ पर पहले हम जया का हिस्सा जो ख्याति में है उसे अलग कर लेंगे। तो कुल जो ख्याति है फर्म की वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 36,000 है, और इसमें अगर हम जया का हिस्सा अलग करते हैं तो 36,000 × 2/6 करने पर 12,000 रुपये जया का हिस्सा ख्याति में आता है। दूसरी कैलकुलेशन हम यहाँ पर लाभ प्राप्ति अनुपात की करेंगे। तो लाभ प्राप्ति अनुपात के लिए हम नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात अगर करते हैं तो कीर्ति का जो लाभ प्राप्ति अनुपात होगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कीर्ति का जो नया अनुपात है अगर जया को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो यहाँ पर कीर्ति का जो अनुपात बचता है वो हो जाता है 1/3। अब क्योंकि यहाँ पर जया के अवकाश ग्रहण करने के बाद कीर्ति, एकता और श्वेता ने भविष्य में लाभों को समान रूप से बांटने का निर्णय लिया है, यानी कि क्योंकि 3 साझेदार शेष बचे हैं तो इन तीनों में अगर लाभ का वितरण समान अनुपात में किया जाना है तो 1/3, 1/3 और 1/3 तीनों के लिए नया अनुपात हो जाएगा। अब लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना के लिए जब नए अनुपात में से पुराने अनुपात को माइनस करेंगे तो कीर्ति का जो लाभ प्राप्ति अनुपात है वो हो जाएगा 1/3 माइनस पुराना अनुपात 1/6, यानी 2 − 1/6 = 1/6। बिल्कुल वैसे ही एकता का अगर हम लाभ प्राप्ति अनुपात निकालते हैं तो नया अनुपात यानी 1/3 माइनस पुराना अनुपात यानी 2/6 = 2 − 2/6, 0/6, यानी कि ना लाभ होगा ना हानि। श्वेता का अगर लाभ प्राप्ति अनुपात हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि श्वेता का भी नया अनुपात 1/3 और माइनस पुराना अनुपात 1/6 है, तो 2 − 1/6 = 1/6। तो यहाँ पर क्योंकि एकता का जो लाभ प्राप्ति अनुपात है वो 0 हो गया तो जो लाभ होगा वो कीर्ति और श्वेता में 1/6 = 1/6 यानी 1:1 में वितरित किया जाएगा। अब क्योंकि फर्म की ख्याति में हमने जया का हिस्सा निकाल लिया था जो कि 12,000 आया था, तो जया की ख्याति का बंटवारा जब श्वेता और कीर्ति को किया जाएगा तो क्योंकि दोनों का जो अनुपात है वो बराबर बराबर है, 1/2, 1/2 है, तो यहाँ पर कीर्ति को जया की जो ख्याति है उसमें से 6,000 रुपये कीर्ति को प्राप्त होगा और बिल्कुल उतना ही श्वेता को भी 6,000 रुपये प्राप्त होगा। यहाँ पर जब हम इसके आधार पर पंजी प्रविष्टि करेंगे तो हम देखेंगे कि क्योंकि ख्याति खाता तो पुस्तकों में यहाँ पे था नहीं, ख्याति का मूल्यांकन किया गया था और इसमें से हमने जया का जो हिस्सा है वो अलग कर लिया, तो हमारी पहली जो जनरल एंट्री होगी वो होगी कीर्ति का पूंजी खाता डेबिट, श्वेता का पूंजी खाता डेबिट जया के पूंजी खाता से। जया का जो ख्याति में जो जया का हिस्सा था 12,000 वो हमने अलग कर लिया था और उसे 6,000 कीर्ति और श्वेता को यहाँ पर बांट दिया गया। केशव, निर्मल तथा पंकज लाभ का विभाजन 4:3:2 के अनुपात में करते हैं। निर्मल अवकाश ग्रहण करता है तथा ख्याति का मूल्यांकन 72,000 रुपये पर किया गया। केशव तथा पंकज भविष्य में लाभ का विभाजन
5:3 के अनुपात में करने का निर्णय लेते हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। पहली कंडीशन में जब ख्याति को इसके संपूर्ण मूल्य से दर्शाया जाए तथा तुरंत अपलिखित कर दिया जाए, और दूसरी कंडीशन में जब ख्याति को फर्म की पुस्तकों में न दर्शाया जाए। अब क्योंकि इस प्रश्न में दो कंडीशन में हमको जनरल एंट्री पास करनी है, सबसे पहले अगर हम ख्याति की बात करें तो यहाँ पर जो 72,000 रुपए की ख्याति है वो पूरे फर्म की कुल ख्याति है, जिसमें से हमको रिटायर होने वाले साझेदार के हिस्से को अलग कर लेना होगा। यानी 72,000 में निर्मल जो कि रिटायर होने वाला है उसका भाग है 3/9, क्योंकि यहाँ पर लाभ हानि विभाजन अनुपात है 4:3:2, यानी कि 4/9 केशव के लिए, 3/9 निर्मल के लिए और 2/9 पंकज के लिए लाभ हानि विभाजन अनुपात है। तो इस आधार पर हम 72,000 × 3/9 करके 24,000 रुपए निर्मल की राशि को अलग कर लेंगे। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करने के लिए हम जब केशव का लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करेंगे तो नए अनुपात में से पुराने अनुपात को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केशव का जो नया अनुपात है, क्योंकि वो प्रश्न में निकाल कर दे दिया गया है, 5:3 के हिसाब से केशव का नया अनुपात 5/8 और पंकज का नया अनुपात 3/8 है। यानी केशव का लाभ प्राप्ति अनुपात हो जाएगा नया माइनस पुराना अनुपात, यानी 5/8 − 4/9, 45 − 32/72, यानी 13/72। ठीक इसी तरह पंकज का लाभ प्राप्ति अनुपात निकाल लिया जाएगा, 3/8 − 2/9, यानी 27 − 16/72, यानी 11/72। तो इस तरह से पंकज का लाभ प्राप्ति अनुपात हो जाएगा 11/72 और केशव और पंकज का लाभ प्राप्ति अनुपात हो जाएगा 13/72 / 11/72, यानी 13:11। जब पहली कंडीशन में हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो वहां पर स्थिति होगी कि ख्याति को इसके संपूर्ण मूल्य से दर्शाया जाए तथा तुरंत अपलिखित कर दिया जाए। इस कंडीशन में जो हम पहली एंट्री करेंगे वहां पर हम ख्याति को, क्योंकि संपूर्ण मूल्य में यहाँ पर दर्शाया जाएगा, इसलिए हम जनरल एंट्री करेंगे। यहाँ ख्याति खाता डेबिट केशव की पूंजी खाता से, निर्मल की पूंजी खाता से और पंकज की पूंजी खाता से। तो यहाँ पर जो ख्याति की कुल राशि 72,000 रुपए है उसे केशव, निर्मल और पंकज में जो उनका पुराना अनुपात था, यानी 4:3:2 में जब बांटेंगे तो केशव के हिस्से में 32,000, निर्मल के हिस्से में 24,000 और पंकज के हिस्से में 16,000 रुपए आएगी। इस तरह से इसकी सेकेंड एंट्री जो होगी वो होगी केशव का पूंजी खाता डेबिट, पंकज का पूंजी खाता डेबिट ख्याति खाता से, क्योंकि अब जो बचे हुए साझेदार है निर्मल के रिटायर होने के बाद वो सिर्फ केशव और पंकज ही बचे हैं। तो इस 72,000 रुपए को जो उनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात है, यानी कि 5:3, जब हम उसमें बांटेंगे तो केशव के हिस्से में 45,000 और पंकज के हिस्से में 27,000 रुपए प्राप्त होगा। अब अगर हम सेकंड कंडीशन में जनरल एंट्री करें, यानी कि जब ख्याति को फर्म की पुस्तकों में न दर्शाया जाए, तो इस कंडीशन में हम ख्याति को हमको कहीं पे भी अपलिखित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ निर्मल के हिस्से की जो राशि है ख्याति की, उसी से हम ख्याति खाता यहाँ पर केशव और पंकज के खाते में समायोजित कर देंगे, जिसके लिए हम पंजी प्रविष्टि करेंगे केशव का पूंजी खाता डेबिट, पंकज का पूंजी खाता डेबिट निर्मल के पूंजी खाता से। तो जो निर्मल का जो पूंजी खाता है वो हमने 24,000 रुपए उसकी ख्याति के हिस्से को हमने कैलकुलेट किया था, इस 24,000 को केशव और पंकज में हम जो इनका अनुपात हमने कैलकुलेट किया था लाभ प्राप्ति अनुपात 13:11, उसमें हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 13,000 रुपए केशव को प्राप्त होगा और पंकज को 11,000 रुपए प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल ख्याति 72,000 रुपए है, इसमें निर्मल का हिस्सा 24,000 रुपए हमने ज्ञात कर लिया है।